आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं भाई हम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट चिपोटले से यहाँ खाना खा लेते हैं। $10 में दोनों का पेट फुल हो जाता है बिल्कुल। और इसके बाद चलेंगे हम न्यूयॉर्क सिटी। भाई अभी हम आ गए हैं न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में। हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी। आज पार्किंग ढूंढने में हमको लग गया 1 घंटा। तो अब हम सोच रहे हैं कहाँ जाएँ, कहाँ घूमें आज। वैसे हैं बहुत सारी जगह घूमने की, अब प्लानिंग करनी पड़ेगी वरना एक भी जगह ढंग से नहीं घूम पाएंगे। ये निकल गए भाई हम 33rd Street पे। यहाँ पे 32nd है, मतलब 33rd फिर उस तरफ है, वहाँ पे इनका मेन ट्रेन स्टेशन है। पहले वो दिखा देता हूँ आपको कैसा है। ये देखो भाई यहाँ पे ऑल डे पार्किंग, एक दिन की पार्किंग 29 डॉलर्स प्लस टैक्स, मतलब लगभग 30-35 डॉलर की पड़ेगी आपको 12 घंटे की पार्किंग। यहाँ से हम वॉक करना शुरू कर चुके हैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की तरफ। ये भाई लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पहले से बनी हुई है और काफ़ी सालों तक इसने अपने आप को वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग का खिताब एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के पास ही था। हर जगह दिखती है, बड़ी आइकॉनिक बिल्डिंग है ये। इसके ऊपर जाके आप पूरे चारों तरफ का नज़ारा भी ले सकते हो, वो हम देखते हैं। अभी मन करेगा तो जाके नज़ारा भी ले लेंगे ऊपर जाके। अभी वॉक कर रहे हैं बस, नीचे से देखेंगे कैसी है। बुर्ज खलीफा जितनी लंबी तो भाई नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। वो तो अभी इससे लगभग ये मान लो 2.5 गुना ऊंची हो चुकी, पर ये एक आइकॉनिक बिल्डिंग है बिल्कुल। तो भाई आप नीचे वाला फ्लोर देखोगे एम्पायर स्टेट है ऊपर, और नीचे वाला फ्लोर नहीं इन्होंने किराए पे दे दिया यार सारे रेस्टोरेंट वगैरह को, क्योंकि यहीं से स्ट्रीट से एंटर हो जाए तो इनसे किराया मस्त लेते होंगे यार। ये तो मेरे को लग रहा है चॉप्ड पॉप, पता नहीं मैकडॉनल्ड्स वगैरह नहीं है ये, कोई लग्जरी रेस्टोरेंट्स ही हैं। ये देखो ये न्यूयॉर्क की रिक्शा है और इनका मैं आपको किराया बता दूँ कितना है। $9 per minute per ride। आप सोच सकते हो कि आप 700 रुपये पर मिनट की राइड लोगे, 700 रुपये पर मिनट। 10 मिनट अगर आप इस ठेले पे बैठ गए ना इस रिक्शा पे तो $90 लग जाएंगे आपके, 90। देख लो कितना महंगा है। और 10 मिनट कुछ भी नहीं होते, वैसे ही जाम लगा रहता है न्यूयॉर्क में, आप मुश्किल से मुश्किल 500 मीटर जा पाओगे। इस तरफ का पार्ट एम्पायर स्टेट ने दे रखा है स्टारबक्स को रेंट पे, और यहाँ से शायद एंट्रेंस है, पता नहीं यार एंट्रेंस ही नहीं मिल रही। चारों पास से घूम चुके हम इसके। तो भाई सुबह चिपोटले से शुरुआत हुई, स्टारबक्स के साइड में चिपोटले वालों ने भी ले लिया एम्पायर स्टेट का पार्ट। भाई ने पता है मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। ये आ गए भाई ऑब्जर्वेटरी के एंट्रेंस, वो वाली गलत थी, 34th Street पे ये वाली एंट्रेंस। लो भाई इस एंट्रेंस से चलते हैं अंदर, लॉबी विजिटर्स के लिए फ्री है। ओ भाई ये लिखा है स्वागतम, बना रखा है एम्पायर स्टेट का रेप्लिका। ये देखो ये है एम्पायर स्टेट की ऊपर जाने की फीस 86 और 102nd है, लास्ट फ्लोर है, सबसे हाईएस्ट फ्लोर है ये, $90। भाई इसमें थोड़े से पैसे और मिला के ना हेलीकॉप्टर राइड करेंगे हम, क्या फ़ायदा भाई। 89 तो बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा है ये। ये देखो ये नज़ारा आपको ऊपर जाके मिलेगा ही नहीं, शायद ये है 102nd फ्लोर और 86 कहाँ पर पता नहीं मेरे को कहाँ पर है भाई। तो यहाँ से ऐसा नज़ारा आपको हेलीकॉप्टर से मिलेगा। एम्पायर स्टेट से निकलते ही थोड़ा सा चलते ही ये आ गया दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर। कुछ ऐसे नहीं लिखा है इन्होंने, क्लोथिंग स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है या कैसा स्टोर है, ये तो ठेले तो आते रहते हैं न्यूयॉर्क में। खैर तो ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर है, बस पता नहीं क्या है क्या नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स मिलता है इसके अंदर, क्लोथिंग मिलता है, क्या मिलता है, पर सबसे बड़ा स्टोर है दुनिया का ये है मैसी स्टोर की भाई एंट्री। अब चलते हैं स्टोर के अंदर। भाई अगर ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोर तो मैं इसको कहूँगा नहीं यार ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोर है, क्योंकि यहाँ तो आते लुई विटॉन,
गुची, ये तो मॉल हो गया है एक तरह से। और मॉल तो सबसे बड़ा, या तो लोग दुबई मॉल को कहते हैं, अगर गूगल करोगे तो आप दुबई मॉल आएगा, वैसे सर्च करोगे तो ईरान मॉल आएगा, वहाँ पे बर्बरी। ये तो मॉल हो गया यार एक तरह से, मेरे को लगा स्टोर है, है ना संटी भाई? मेरे को तो मॉल शॉपिंग मॉल लग रहा है जैसे। शॉपिंग मॉल हो गया है, तो फालतू में ही इन्होंने टैग ले रखा है यार। भाई वैसे तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 10 फ्लोर हैं सब पे, मतलब शॉपिंग का है। और जो मेन ब्रांड्स हैं ना, जैसे गुच्ची हो गई, एल वी हो गई, इन्होंने अपना बिलिंग अलग कर रखा है। पर जो नॉर्मल ब्रांड है ना, जो मतलब नॉर्मल थोड़ी सी महंगी वाली ब्रांड, उनका बिलिंग काउंटर एक ही है जैसे साइड में आ गया, तो इसको मैं स्टोर कह सकता हूँ। पर नीचे जो था भाई वो तो नहीं है, तो इसको अगर कंसीडर करें 10 फ्लोर को ऐसे, तो हो सकता है भाई सबसे बड़ा स्टोर हो। भाई इनके स्टोर में लिफ्ट देखो कैसी है, फ्लोर नंबर 1.5। ये क्या मतलब है भाई, ये 1 है, ये 2 है, ये 1.5। भाई अगर आपको शॉपिंग करनी है ना US में आके, तो भाई आप प्रीमियम आउटलेट स्टोर्स पे जाना अगर आपकी गाड़ी है तो। वो ऐसे सिटी में नहीं मिलेंगे, सिटी से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, और न्यूयॉर्क न्यू जर्सी वगैरह से तो थोड़ा काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो ये जैसे मैंने टी शर्ट ली है, ये अंडर आर्मर ब्रांड की है, ये कितने की थी पता नहीं, $40 की MRP बिकती है किसी भी अंडर आर्मर आप जाओगे स्टोर पे। तो प्रीमियम आउटलेट से मैं लेके आया था $28 की। तो यार ये सब तो होता है, मतलब जो ये स्टोर था मैसेज का जहाँ से हम गए थे, ये तो भाई लूटने के लिए है। हाँ अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, पर मैं बताऊँ तो आप ज़्यादा शॉपिंग कर सकते हो प्रीमियम आउटलेट्स पे जाके। कल मैंने 5 टी शर्ट खरीदी थी, और कुछ अच्छी अच्छी ब्रांड्स की, नाइक की, अंडर आर्मर, और कौन सी थी, गैस की, तो बड़े सस्ते सस्ते आ गए थे, क्योंकि वहाँ पे वो उनको किराया कम देना पड़ता है, यहाँ पे किराया ही बहुत ज़्यादा होगा, तो उसका फ़र्क कर देते हैं वो लोग कि इतने दूर आ रहा है बंदा। और वो इसलिए करते हैं प्राइस सस्ते कि यहाँ पे आके बंदा काफ़ी सारी खरीदेगा, और इतना दूर आ रहा है। तो अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो हमारी है वो है सेंट्रल पार्क। और अगर आप थंबनेल देख के आए हो ना, मेरे को पता है आप लोग थंबनेल देख के ही आए होंगे, वो भाई रात को जाएंगे टाइम्स स्क्वायर तो वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको जो थंबनेल है, क्योंकि मेरे को पता है वीडियोस कैसे चलती हैं, मैं करता नहीं हूँ हरकत यार, पर करनी पड़ती है, अब क्या करें बताओ भाई। व्यूअर सुधरेंगे तभी क्रिएटर सुधरेंगे, सीधी बात तो यही है। यहाँ पे आने से पहले ना मेरे को लग रहा था न्यूयॉर्क खचाखच भरा होगा, बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं होगी, पर ये देखो मेन जगह पे हम बिल्कुल, और यहाँ पे बीच में इतना बड़ा बना रखा है कैफ़े वगैरह के लिए, खाने पीने के लिए, बैठने के लिए, तो ये काफ़ी सही है यार। इतनी भीड़ भड़क्के वाली सिटी में भी इतना कर रखा है, मेरे हिसाब से दिल्ली में कहीं नहीं है ऐसा, तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है यार। मतलब शहर के बिल्कुल बीचों बीच, यहीं कहीं बोरी एम्पायर स्टेट, तो बिल्कुल बीचों बीच। टाइम हो रहा है अभी, ये कितना बज रहा है, 4 बज गए क्या? 4 तो नहीं बजे होंगे यार, 4 बज गए हैं, 4 बज गए। अबे हाँ 4 बज गए यार, हमको तो घूमते घूमते पता ही नहीं चला। 4 बजे से हमको एकदम से याद आया कि हमारी पार्किंग ना 2 घंटे की थी, अब उसको एक्सटेंड करा रहे हैं हम 2 घंटे और, हर 2 घंटे के $2 दे रहे हैं। भाई ये हम आ गए ब्रायंट पार्क में, और यहाँ पे तो खाने पीने का है सारा, लोग बैठे हैं सामने है भाई पिकनिक टाइप में। और यहाँ यार मतलब ये मानो इतनी ज़्यादा स्काई स्क्रैपर्स के बीचों बीच इन्होंने एक पार्क बना रखा है, इतनी ज़्यादा स्काई स्क्रैपर्स के बीचों बीच, मतलब शहर के बीचों बीच। ये मेरे को बहुत ही अच्छी बात लगी यार, बहुत ही प्यारी बात यार। देखना चारों तरफ आपको बिल्डिंग्स दिखेंगी, पर उसके साथ साथ आपको पार्क का मज़ा, कितने शांति से बैठे यार, मज़ा आ गया यार यहाँ तो। ट्रैफिक का पे देख, तो एक तो हॉर्न बजाते ही नहीं यहाँ के लोग, तो उससे तो शांति है ही, पर और भाई देखो इस तरफ, ओ हो भाई साहब नाइस यार। भाई ये आ गए हम 42nd Street पे, तो यहाँ से जाके आप लेफ्ट राइट हो जाओगे ना तो टाइम स्क्वायर आ जाता है, पर वो हम रात को जाएंगे, हमको अभी जाना है कम से कम नहीं। ओ भाई वहाँ पे काला धुआं सामने, आग लग गई भाई वहाँ पे, पक्का आग लग रखी है, पक्का 100% 110% आग लग रखी है वहाँ पे, वरना इतना काला धुआं न्यूयॉर्क में, वो भी मेन स्ट्रीट पे, इस वाली पे कोई मतलब नहीं है। ये देखना इस रोड के बीचों बीच घुमा दी भाई साइकिल, ये इलीगल है करना, पर अपने ग्राहकों का टाइम बढ़ाने के लिए, उनको मज़ा दिलाने के लिए कर देते हैं ये। वहीं जा रही है गाड़ी भी,
है ना। ये देखो एक बस है, देखने में ऐसे लग रहा है द राइड पार्टी बस है, पर ऐसा नहीं है। ये है नियो घुमाने के लिए बस, मल्टी मिलियन डॉलर के अंदर से पूरी मतलब लग्जरी बस है। आप इसमें आप घूम सकते हो पूरा न्यूयॉर्क का शहर, पर इसकी टिकट पता है कितनी है? $80 की टिकट है भाई इस बस की। $80 में आपको न्यूयॉर्क शहर का ये नज़ारा कराएगी, और कोई मतलब भी नहीं यार। पर हाँ, अमीर लोगों के लिए तो यार सब मतलब है भाई। संटी भाई ने मेरे को एक नया रेस्टोरेंट दिखवाया है, चिक फिल आ कुछ ऐसा इनका है, चिक फिल आ चिक फिले ठीक है भाई। इसका बर्गर तो काफ़ी महंगा है, खैर ये $8.50 का लगभग एक बर्गर है भाई। बहुत ही स्मूथ चिकन आता है यार इसका। अबे ये क्या, ये तो तारीफ़ करते ही इन्होंने क्या कर दिया इन्होंने। हाँ ऐसे लगा लो भाई, बहुत ही स्मूथ चिकन। और इनकी सॉसेज जो है ना भाई सबसे बढ़िया है, बफलो वाली और स्वीट एंड स्पाइसी। अब फिर आप बफलो से कन्फ्यूज में जाते हैं, वैसे हर वीडियो में बताना ही पड़ जाएगा मेरे को भी भाई, इसमें बफलो नहीं होती है, सॉस का नाम है बस भाई। ये है ब्रांड मैकडोनल्ड्स बर्गर किंग की तरह चिक फिल आ भाई, इसका ऐसा बर्गर है ना मज़ा आ गया। और सॉस मैं आपको बता चुका हूँ, सिराचा और बफलो ये दोनों लेना आप, मज़ा आ जाएगा आपको। तो जब मैंने चिपोटले बताया था ना अपनी वीडियो में, तो जितने भी लोग US विजिट कर रहे हैं जिन्होंने चिपोटले ट्राई नहीं किया था, उन सारों ने मेरे को मैसेज करा भाई बल्कि कि भाई मज़ा आ गया यार, क्या स्वाद था सब कुछ। तो एक बार आओ तो ये भी ट्राई करना चिक फिल आ, ये संटी भाई ने मेरे को बताया कि मस्त होता है, तो हमने ट्राई किया मज़ा आ गया भाई। देखो मैं आपको बता रहा था टाइम स्क्वायर के आसपास है, टाइम स्क्वायर दिस इज़ ए गन फ्री जोन। अगर देख लो जो हम आग कह रहे थे कि आग लग गई, ये आइसक्रीम ट्रक जल गया, ये बहुत सारे खड़े रहते हैं यहाँ पे, तो ये फाइनली दिख गया हमको कि कहाँ पे आग लगी थी। चलो चलते हैं आगे, फायर डिपार्टमेंट ने बुझा दिया आग, जो बंदा होगा वो तो कूद ही गया होगा। खैर सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, इस बिल्डिंग को कहते हैं न्यूयॉर्क की सबसे वियर्डेस्ट बिल्डिंग भाई। इतनी पतली सी बिल्डिंग है, और सारी देखो कितनी चौड़ी चौड़ी हैं, आपको अगर पास जाके तेरे को दिखेगा कितनी चौड़ी। हाँ भाई वैसे तो है, पर और बिल्डिंग से कंपैरिजन में आप इसको देखो ना, लंबी इन्होंने इतनी बना दी और चौड़ी इतनी सी है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है यार ये गिर जाएगी किसी दिन। परमिशन कैसे दे दी इस बिल्डिंग को बनाने की, देख लो। तो मेरे आगे है भाई सेंट्रल पार्क, ये हम आ गए 59th Street पे। मेट्रो ने हमको छोड़ा था आपको याद होगा वीडियो के स्टार्टिंग में 33rd Street पे, और अब हम आ गए हैं 59th Street पे। तो मतलब हम 16 ब्लॉक्स पार करके आए हैं, तो काफ़ी लंबा हो जाता है भाई 16 ब्लॉक्स। और ये जो सेंट्रल पार्क है ना, देखो आ चुका है भाई, जो सेंट्रल पार्क है ना ये जाता है 59th Street से 4 किलोमीटर आगे तक, मतलब 110th Street में। मतलब ये मान लो आप 50 स्ट्रीट कवर करता है ये 4 किलोमीटर में, तो हम 26 स्ट्रीट तो हम भी चल के आ गए, मतलब 2.5 किलोमीटर दूर है उस वाले मेट्रो स्टेशन से। और भाई यहाँ से देखना संटी भाई क्या नज़ारा भाई, यहाँ पे एक दिन ऐसा आता है जिसमें कहते हैं कि सूरज ना यहाँ पे अलाइन कर जाता है, मतलब सूरज इन दो इस रोड के बीच में आता है। ये वाली रोड है कोई और रोड है मेरे को नहीं पता, ऐसी रोड है न्यूयॉर्क में, और वहाँ पूरी लाइन लगी होती है फोटोग्राफर्स की परफेक्ट फोटो लेने के लिए, क्योंकि फोटो बहुत महंगी बिकती है फिर जो लेता है। ये हम आ गए सेंट्रल पार्क के अंदर, और देखो भाई पूरा मतलब इमेजिन कर सकते हो इन बिल्डिंग्स के बीच में ये जंगल बना दिया इन लोगों ने, 4 किलोमीटर लंबा भाई ये जंगल। और काफ़ी सारे मूवीज़ की शूटिंग यहाँ पे हुई है, कल हो ना हो, होम अलोन, फ्रेंड्स, ये सारी कई सारी मूवीज़ टीवी सीरीज़ इनकी शूटिंग सेंट्रल पार्क में होती रहती है। तो 4 किलोमीटर लंबा, अगर आप पूरा सेंट्रल पार्क कवर करना चाहते हो ना, तो मेरे हिसाब से तो भाई आपको आराम से पूरा एक दिन लग जाएगा। हमको इतना कवर नहीं करना है, हम यहाँ से निकल के एप्पल स्टोर चले जाएंगे, क्योंकि आईफोन 15 प्रो जो है 22 तारीख को लॉन्च हो रहा है, तो हम आज देखने जा रहे हैं कि स्टोर में रखा है फ़ोन या नहीं रखा। वो वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, मैं पहले डाल चुका काफ़ी वो भाई। ये देखो इन बिल्डिंग्स के बीच में कहाँ इन्होंने पार्क बना दिया इतना बड़ा, बना नहीं दिया मेरे को, मेरे हिसाब से पहले जंगल ही होगा और इसको ऐसे पार्क ही रख रखा है इन्होंने तब से ही। सही है यार, नेचर भी इन्होंने बचा के रखा है, इतना बड़ा बना दिया और वो भी। भाई ये देख लो कंक्रीट जंगल के बीचों बीच एक ऐसा चर्च लोअर मैनहट्टन में भी है, जो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, ये अपर मैनहट्टन में है।
चर्च में ना साथ में ये वेटिकन सिटी का भी झंडा लगा रखा है। ये हम पहुंच गए हैं टाइम स्क्वायर, यहाँ से शुरू हो जाता है टाइम स्क्वायर। ये असली वाला नहीं है पर आपको चकाचौंध अब यहाँ से दिखने लग जाएगी। किस तरफ है भाई और आगे? अच्छा यही है। ओहो यहाँ कई तरफ से रोड आते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं भाई। ये है टाइम स्क्वायर, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब सामने सामने जाना है, जितने आप आगे जाते जाओगे उतनी चकाचौंध बढ़ती जाएगी। देखो ये है फेमस रेड स्टेयर, इसके ऊपर आप जा सकते हो, कोई टिकट वगैरह नहीं, फ्री है। और ऊपर से पूरा नज़ारा आप ले सकते हो पूरा टाइम स्क्वायर का। देखो ऐसा दिखता है पूरा टाइम स्क्वायर। अभी मैं ऊपर जाके भी आपको दिखाऊंगा। और आप चाहो तो इनमें से कोई स्क्रीन है जिसपे आप ऐड भी चलवा सकते हो, काफ़ी सारे स्क्रीन है। ये है यहाँ का भाई, ये है पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा सेल करने वाला मैकडोनल्ड सिंगल यूनिट। ये देखो यहाँ से टाइम स्क्वायर का पूरा नज़ारा। मेरे लिए कोक, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी कोक से। ये देखो ये मैकडोनल्ड्स इतना फेमस है कि आपने अगर खाना पानी कुछ भी लिया ना तो 30 मिनट में उठ के जाना है आपको। तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो पे व्यूज कैसे लेके आते हैं। आ जाओ। हाय एक्सक्यूज मी, या हाउ मच फॉर 20 बेबी 20 फॉर ईच 10 फॉर ईच ओके ओके ये गॉड वन मोर ये थैंक यू सो मच। तो भाई आप लोगों के लिए मैंने वीडियो भी बना दी लड़कियों तक जाने की, उनसे बात करने की। तो उन्होंने मेरे से पहले बोला कि $20 लेंगे। अब वो $20 बोला उसने, तो मैंने पूछा ईच के, तो कहती हाँ। तो मैंने कहा नहीं, $10 में एक जनी को दूंगा, मतलब 20 टोटल, ठीक है, इससे कम मेरा मन भी नहीं हुआ बोलने का। तो मैंने आपको दिखाया कि मैं उसके पास गया और मैंने उससे पैसों की बात भी करी कि हाँ भाई ठीक है इतने इतने मैं आपको दूंगा। तो ये मैंने इसलिए ही दिखाया बस कि मैं चाहूँ ना तो हर वीडियो में ऐसे $10 देखिए तो अमेरिका है, $10 यहाँ मान गई लड़कियाँ। किसी और देश में मैं जाऊँगा वहाँ $2-3 में लड़कियाँ मान जाएंगी कि भाई मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा लो। पर मैं करता नहीं हूँ यार, मैं क्या बताऊँ। अब $10 यहाँ पे स्पेंड करके मेरी अर्निंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा इस वीडियो से, क्योंकि व्यूज़ ज़्यादा आएंगे और लोगों ने सारा स्किप कर दिया होगा, सीधा यही आके देखा होगा। क्योंकि पता नहीं यार लोगों को देखना ही ये है या मतलब आगे नहीं बढ़ पा रही इस चीज़ से। तो मैं तो भाई देखो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं बताऊँ मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप लोगों ने क्लिक किया, पैसे किसको मिले? मेरे को। पर फिर भी मैं वो चीज़ नहीं करता हूँ। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो अच्छा कंटेंट बनाता है ना क्रिएटर, बिना लड़कियाँ वड़कियाँ लगाए मैं तो सीधा बात करता हूँ, उसको ज़्यादा सपोर्ट करो। मैं किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं खुद लड़कियाँ लगाते हैं, वो खुद बोलते हैं भाई मजबूरी है हमारी, हम क्या करें, हम नहीं लगाएंगे तो कोई और लगाएगा और लोग उसकी वीडियो पे जाएंगे। तो भाई व्यूअर्स को ही मतलब थोड़ा सुधरना पड़ेगा, जैसे बॉलीवुड में व्यूअर्स सुधरे तो पुरानी टाइप की मूवीज़ अब नहीं बनती, अब अच्छी स्टोरी वाली मूवीज़ बनती, कंक्रीट वाली वही चलती हैं। तो व्यूअर्स अगर अच्छी, मतलब मैं दिखाऊंगा ब्यूटीफुल सिटी कोई नहीं देखेगा, मैं दिखाऊंगा डेंजरस सिटी सब लोग आके देखेंगे। क्यों भाई ब्यूटीफुल सिटी नहीं देखनी? मत देखो भाई, लोग डेंजरस सिटी दिखाएंगे। आपको नॉर्मल वीडियो नहीं देखनी? मत देखो भाई, हम लड़कियां दिखाएंगे। तो आपके ऊपर है भाई, चलो मैं टाइम स्क्वायर घुमा देता हूँ, अब देखते हैं आगे वीडियो कितने लोग देखते हैं या फिर यहीं से भाग जाते हैं। तो अगर आप इन टीवीज़ पे अपनी वीडियो चलाना चाहते हो, प्रमोशन करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो उस वाले टीवी पे या फिर किसी वाले टीवी पे, सबका अलग अलग ओनर है, तो उस वाले टीवी पे अगर आपको अपनी वीडियो चलानी है ना तो $15 के $40 लगते हैं। मैंने अपनी वीडियो अभी अभी अपलोड कर दी है, 8:50 हुए हैं, 9:30 पे मेरे को टाइमिंग मिलेगी, 9:30 पे वहाँ पे वीडियो चलेगी मेरी। तो 9:30 तक का वेट करते हैं, आप कुछ भी चला सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। स्क्वायर फॉर्मेट में चलेगी वीडियो, तो बस अभी रिव्यू करेंगे वीडियो की, मैंने कुछ उल्टा सीधा तो अपलोड नहीं कर दिया, वो तो ऑटोमेटिक नहीं चला सकते। रिव्यू करेंगे, उसको शेड्यूल करेंगे, लाइन में लगाएंगे, तो फिर उसके बाद उस वाले बोर्ड पे मेरी वीडियो चलेगी। तो भाई हम मैकडी में वेट कर रहे थे कि जब तक मेरा वो कमर्शियल जो मैं चला रहा हूँ यहाँ पे वो अप्रूव हो जाए, पर साइड में स्क्रीनशॉट देखो भाई, मेरा रिजेक्ट होके आ गया, क्योंकि भाई उसमें मेरी वेबसाइट का प्रमोशन था जो कि है www.yatridoctor.in। तो उन्होंने कहा कि आप कोई भी कमर्शियल चीज़ नहीं चला सकते, तो कोई अपना प्रमोशन भी नहीं कर सकता एक तरह से, या फिर कोई साइट का लिंक वगैरह आप नहीं डाल सकते उसमें, तो उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया। वैसे अगर आप में से कोई जानना चाहता है उस साइट पे क्या है, तो मैंने कोर्स बनाया है हाउ टू बुक फ्लाइट्स फॉर फ्री करके,
तो और उस कोर्स में क्या है उसके लिए स्पेशल मैंने वीडियो टाइम्स करो बना रखे है, 5-6 वीडियो आप पहले जाके देख सकते हो। तो वो उन्होंने मना कर दिया और पैसे मेरे वापस रिटर्न कर दिए। तो कोई नहीं, चलो अभी मेरे पास कोई और अच्छी एडिटेड वीडियो पड़ी नहीं है 1x1 के फॉर्मेट में ना, तो मैंने कहा फिर लाएंगे तो अच्छे से लाएंगे जिस दिन चलाएंगे वीडियो। $40 भाई पेड़ पे तो उगते नहीं है कि ऐसे मिल जाएँ, तो फिर मैंने कहा नहीं रहने देते हैं। यहाँ पे स्क्रीन्स गिनो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वहाँ स्क्रीन, ये स्क्रीन, पूरा स्क्रीन, इस साइड स्क्रीन, ये स्क्रीन, ऊपर स्क्रीन, ये है भाई टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क का नज़ारा। तो भाई आप मेरे पीछे जो फूड ट्रक देख रहे हो ना, ये काफ़ी सारे हैं देखो यहाँ पे, ठीक है। तो इंडिया में जैसे ठेले होते हैं वो कहीं पे भी लगा लेते हैं, ठेले वाले देते हैं भाई रोड पे रिश्वत पुलिस वालों को, पर यहाँ पे चलती है ऑफिशियल रिश्वत। न्यूयॉर्क सिटी का जो ये गवर्नमेंट है ये इनसे पैसे लेती है, और जो सबसे महंगा फूड ट्रक लोकेशन वाइज बिकते हैं, सबसे महंगी लोकेशन बिकी थी सेंट्रल पार्क के पास, जिसने दिए साल का 5 करोड़ रुपए सिर्फ फूड ट्रक पार्क करने का। तो फिर देख लो भाई, ये इंडिया भी कर सकता है कि ऑफिशियली पैसे ले लो ताकि पुलिस वाले रिश्वत ना ले पाएँ। पता नहीं कब शुरू होएगा, पर यहाँ पे सारे इनका लाइसेंस है यहाँ पे खड़े करने का, इस बंदे ने खरीदा है यहाँ पे खड़े करने का लाइसेंस। तो भाई आपने काफ़ी सारी वीडियोज़ इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह पर देखी होंगी कि पुलिस वाले आए और सब्जी वाले का ठेला उड़ा के चले गए, उसकी सब्जियाँ उड़ा दी, तो लोगों को दया भी बहुत आती है। तो ऐसा कर सकती है हमारी गवर्नमेंट कि भाई उनसे महीने के 1000 रुपये 1500 रुपये उनसे वैसे ही ले लो कि अब आपको पुलिस वाला कोई परेशान नहीं करेगा, और उनके एक फिक्स प्लेस कर दो, सेल कर दो उसको प्लेस एक महीने के लिए, भाई तेरा किराया ये है, आप तेरे को अगले महीने लगानी है तो रिन्यू। अब जैसे ही उसका वो होएगा तो उनको कोई डरने की जरूरत नहीं होगी, सरकार को पैसे मिलेंगे जिससे मतलब देश की तरक्की होगी, ना कि करप्ट लोगों की जेब में पैसे जाएंगे। तो ये बड़ा सही है यार, यहाँ पे इतने ही ठेले बेचे इन्होंने कि मतलब जाम भी ना लगे और काम भी चल जाए और सरकार को पैसे भी मिल जाएं। वरना इंडिया में मंगल बाजार, ये बाजार, वो बाजार लगता है, पूरी की पूरी रोड ब्लॉक, तो वो ना हो इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि भाई ऐसा हो जाए। हर गोलगप्पे वाले से, मोमोज वाले से सारे पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं भाई, ये बात सबको पता है। अब ज़्यादा चंट मत बनना कमेंट्स में कि भाई नहीं लेते, ये नहीं लेते, सब लेते हैं। वीडियोज़ भी आपने देखी होंगी, सब्जी वालों के ठेले उड़ा दिए पुलिस वालों ने, उन पर दया भी करते हो, तो मतलब ये कर देना चाहिए। कितना अच्छा है यार ये, हर चीज ऑर्गेनाइज है। भाई यहाँ देख लो सारा ट्रैफिक ग्रीन हो रखी है लाइट, और ये रोड के बीच में खड़ा बंदा नाच रहा था ये अभी। मेरे को एक बात अमेरिका की बहुत अच्छी लगी भाई, यहाँ पे आप कितनी भी वीडियो बनाओ, कहीं पे भी बनाओ, कोई आपको मना नहीं करता बिल्कुल कि भाई मेरी मत बना, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने छूट दे रखी है, पब्लिक प्लेस में हो तो आप वीडियो बनाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे इस साइड आ जाओगे तो आपको बहुत बड़ा ये USA का झंडा दिखेगा, यहाँ पे भी आप फोटो खिंचवा सकते हो अगर खिंचवाने का मन हो रहा है तो। भाई भीड़ बढ़ती जा रही है आप देख लो, और यहाँ धुआं ज़्यादा ही हो रहा है क्योंकि ये सारे फूड ट्रक देखना कितना धुआं छोड़ते हैं। ये कौन खड़ा है, ये देखो सारे अपने फोटो खिंचवाने के लिए, वो बॉल होती है भाई, वो ड्रॉप होती है हर नए साल पे, जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी, ऊपर दिसंबर में वहाँ पहुँच जाएगी, और वन जब न्यू ईयर होगा तो वो ड्रॉप होती है। शायद न्यू ईयर पर भी आऊँ मैं अगर मेरे पास टाइम हुआ तो। तो ये न्यूयॉर्क की फेमस येलो टैक्सी। इस वीडियो को रखते हैं भाई यहीं तक, और अब चलते हैं वापस न्यू जर्सी, अपनी गाड़ी उठाते हैं और उसमें सोते हैं। कल हम जाएंगे नया वाला आईफोन लेने, वो वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ, जाके आप देख सकते हो।